संगम के वतीन सुबेदार गेशावजी दे एक प्रवेश सोहळा आढावा बैठक या निमित्ताने हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। या कार्यक्रमामध्ये अखिल महाराष्ट्र कामगार संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजीव कुमार इखारे साहेब, तसेच मराठवाडा सचिव सुभान भाई, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष ज्यांची नवीनच नियुक्ती झालेली आहे इसाक भाई टेलर, तसेच मराठवाडा प्रदेश अध्यक्ष यांची नवीन नियुक्ती झालेली आहे रियाज भाई पटेल, आमचे संघटनेचे फाउंडर बॉडीचे मार्गदर्शक अंबोरे साहेब, संघटना महिला आघाडी जिल्हा अध्यक्ष शाहीन बाजी पठान, शहर जिल्हा अध्यक्ष वाडेकरताई, तसेच मराठवाडा सचिव आलिम भाई, शहर जिल्हा अध्यक्ष दौलत शिरसाट, शिलोडचे पदाधिकारी शाखा लेवल जे काम करतात कलीम भाई, इरफान भाई, विनोद भाई, तसेच आमचे महत्त्वाचे पदाधिकारी सातपुते साहेब मराठवाडा उपाध्यक्ष, आणि या ठिकाणी सर्व जमलेले बांधकाम महिला वर्ग यांचं मी मनापासून स्वागत करतो। आज या ठिकाणी आपण जी आढावा बैठक लावलेली आहे या बैठकीचं एकच कारण की आपली अखिल महाराष्ट्र कामगार संघटना बऱ्याच वर्षापासून प्रत्येक शहरात, गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात आणि पूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये आपलं संघटनेचं काम चालू आहे। संघटनेत काम करत असताना ज्या बांधकाम मजुरांचे प्रश्न असतात, ज्या अडचणी असतात, ज्या महाराष्ट्र इमारत कल्याणकारी मंडळाकडून ज्या बांधकाम मजुरांना ज्या 28 योजना मिळतात त्यामध्ये मुलाच्या शिक्षणासाठी 2.5 ते 1 लाखापर्यंतची स्कॉलरशिप, स्वतःच्या लग्नासाठी कामगाराला 30,000 रुपये, तसेच कामगारांच्या मुलीच्या लग्नासाठी 51,000 रुपये, गंभीर आजारासाठी पैसे 2 ते 5 लाखाचा इन्शुरन्स विमा, MSCG क्लाससाठी अर्थसहाय्य, घर बांधणीसाठी अर्थसहाय्य, अशा भरपूर काही योजना आहेत। परंतु आजच्या या राजकारणामध्ये जे सत्ताधारी आहेत, भाजप सरकार, शिंदेगट, काँग्रेस, शिवसेना यांच्यामध्ये फक्त सत्तेची भूक लागलेली आहे। यांच्या सत्तेच्या राजकारणामध्ये बांधकाम मजूर जे आहेत यांची मुलं बेरोजगार झालेले आहेत, यांना रोजगार नाही, यांच्या हाताशी काम नाही, नोकऱ्या नाहीत। परंतु आमच्या अखिल महाराष्ट्र कामगार संघटनेच्या वतीनं या बांधकाम मजुरांसाठी भरपूर काही योजना आम्ही राबवत आहोत। शिलाई मशीन, पिको फॉल मशीन, घरबांधणीसाठी पैसे, अशा भरपूर काही योजना आहेत। आपल्यामध्ये भरपूर बांधकाम कामगार असे आहेत का ते निरक्षर आहेत, कोणीतरी त्यांचे दारी एजंट दलाल आला का तो लगेचच सांगतो अरे तुला 2 मिनिटात तुझी नोंदणी करतो, परंतु असं काही नसतं। तुमचे नॉर्मलचे डॉक्युमेंट घेऊन तुम्हाला OTP देतात, तुम्ही त्यांना 1.5 ते 2 हजार रुपये 3 हजार रुपये देतात। मला एक सांगायचं आहे तुम्हाला, का ज्यावेळेस आपण हप्ताभर काम करतो तर आपली तेवढी मजुरीसुद्धा होत नाही, आपल्या मूळ बाळाच्या तोंडातला घास आपण ह्या एजंट दलाला देतो, त्यांच्या मागं पळतो, हे एजंट येतात पैसे घेऊन जातात, तुमचं काम करत नाही। परंतु आमची अखिल महाराष्ट्र कामगार संघटना, जसं अगोदर सांगितलं आपल्याला, बऱ्याच ठिकाणी आमची संघटना आहेत, आमचे पदाधिकारी आहेत, शाहीनबाई बाजी आहेत, वाडेकरताई आहेत, आणि जे नवीन जुळलेले आहेत पदाधिकारी हे सुद्धा प्रत्येक कामगाराशी संपर्क साधतात, त्यांना योजनेचा लाभ देतात, योजना मिळवून देतात। यासाठी या सर्व बांधकाम मजुरांनी आमच्या संघटनेशी, आमच्या पदाधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा, त्यांच्या प्रत्येक वाडामध्ये एक मीटिंग लावावी, त्यांचे जे भी प्रश्न असतील। आता आम्ही 2 तास अगोदर
आमच्या शाईन बाजीकडे एक विषय आला होता का, घरगुती विषय आला होता की एक काही मुली असतात, लग्न झालेले असतात, त्यांच्या घरामध्ये भांडणं होतात, परंतु आम्ही असं सुद्धा कामं हातात घेतो का त्या मुलीला न्याय मिळून देतो, त्याच्या सासरशी भांडणं करतो, त्या मुलीला तिथं पाठवतो, तर हे सुद्धा कामं आमच्याकडे असतात. तुमच्या जे काही कामं असतील, अडीअडचणी असतील, जास्तीत जास्त नोंदणी करा, आमच्या पदाधिकारी संपर्क साधा. जसे आमचे नवीन मराठवाडा प्रदेशाध्यक्ष रियाज पटेल यांनी सांगितलं तर मला महिलाविषयी ज्या महिलांना जे फायदे भेटतात शिलाई मशीन वगैरे ते सुद्धा आम्ही त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र खोलूया त्यांच्या वाड्यामध्ये, त्यांना ते प्रशिक्षण देऊ. त्या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून जो रोजगार उपलब्ध होईल शिलाई मशीनच्या माध्यमातून तो रोजगार सुद्धा त्या कामगाराला मिळेल. आमची संघटना सुद्धा नोंदणी करते बांधकाम मजुरांची, तसेच कंपनी कामगार असो, माथाडी कामगार असो, फळ विक्रेता कामगार असो, शहरामध्ये बरेच कामगारांचे घरचे असतात की ते भाजीपाला असा व्यवसाय करतात, परंतु रोडवरती हातगाडी लावतात. महानगरपालिका, ट्रॅफिक पोलीस, हवालदार हे त्यांना वारंवार येऊन त्यांना हलवतात, त्यांचं जागेचं नियोजन नसतं. तर आमची संघटना या विषयावरसुद्धा खूप मोठं आंदोलन करणार आहे, त्यासाठी तुमच्या सर्वांचं आम्हाला सहकार्य पाहिजे. आमच्या संघटनेशी संपर्क साधा, जास्तीत जास्त आमच्या संघटनेत सभासद व्हा. तुम्हाला कुठं जर अन्याय अत्याचार झाला असेल तर तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधा, तर आम्ही तुमची मदत करू. पुढील आता बाजीने हे तुम्ही जे आलेले आहेत मिसरवाडीतून, तर तुमच्या काही नोंदण्या असतील, जे बी काही प्रश्न असतील, तर आमची एक चर्चा झाली 8 दिवस अगोदर बाजीनं आम्हाला सांगितलं, तर म्हणलं बाजी आपण पुढील आठवड्यात त्यांच्याकडे एक मीटिंग लावू, त्यांना आणखी काय डॉक्युमेंट्स असतील ते डॉक्युमेंट घेऊ आणि त्यांची आम्ही नोंदणी करू. तर या माध्यमातून तुमची एक कामगार नोंदणी म्हणजे परिवाराची सुरक्षा आहे. तर तुम्हाला आग्रहाची विनंती आहे, आता बराच वेळ झालेला आहे कारण आपण तुम्ही पण खूप वेळचे आलेले आहेत, मी जास्त बोलू शकणार नाही, तर तुम्हाला आग्रहाची विनंती आहे की तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधा, नोंदणीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्या. एवढं बोलून मी माझे आप देख रहे औरंगाबाद न्यूज़, मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और औरंगाबाद में सुबेदार गोष्ठ में बैठा हूँ. यहाँ पर अखिल महाराष्ट्र कामगार संगठन की ओर से एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें गरीब मजदूर जो हाथ मजदूरी करते हैं उनको जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है. औरंगाबाद न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है. यह प्रयास किया जा रहा है कि जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी अच्छी योजनाएँ हैं, वह चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँचाई जाए, जो कि हमारा कर्तव्य भी है. सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले ये बोलिए कि आपके माध्यम से क्या क्या काम होते हैं. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ क्या हमारे अखिल महाराष्ट्र कामगार संगठना ये सिर्फ जो गोर गरीब है, मजदूर लोग है, इनके लिए बने वाली है. जहाँ पे कामगारों के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता, वहाँ पर हमारी संगठना जाके खड़े रहती. और वो माध्यम से जैसा कि अभी महाराष्ट्र इमारत कल्याणकारी मंडल से बहुत सारे तीसरे की स्कीमें कामगारों के लिए, बांधकाम मजदूरों के लिए, इसमें सुतार, फिटर, पेंटर, प्लम्बर, लाइट काम करने वाला, वेल्डर, सूतगिरी काम करने वाला जो है, बांधकाम जो अंग असंगठित कामगार है. सर, जो महिलाएं घर में काम करती है उनका जिक्र करें आप. मतलब घर में बोले तो कैसा, बर्तन मानने काम करती है, मोलकरिन, मोलकरिन का. हाँ, देखिए मोलकरिन का भी एक मंडल है. अच्छा. जो मोलकरिन कोई मालक के पास में उसके जाके कपड़े बर्तन धोती, उनके लिए भी एक कामगार उपायुक्त कार्यालय औरंगाबाद में एक मंडल बनने वाला है. तो मंडल के माध्यम से उनकी अगर नोंद हुई, हमारी संगठना उनकी भी नोंद करती, और नोंद के माध्यम से उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा, उनको भी इंश्योरेंस है, उनको भी घर बांधने के लिए पैसा है, उनको मोलकरिन का अगर राशन कार्ड नहीं रहा तो मोलकरिन के कार्ड के ऊपर हम लोग राशन कार्ड भी बना के दे सकते. सर, अगर किसी को अगर आपसे जुड़ना है, जो भी औरंगाबाद शहर में बोलिए, औरंगाबाद ज़िला बोलिए, तो आपकी कोई पदाधिकारी के उनके कुछ कार्यालय के पते या कुछ बता सकते हैं जानकारी आप. अभी देखिए, सबसे पहले हमारा मुख्य कार्यालय है ब्रिजवाड़ी MIDC चिकलठाना औरंगाबाद, यहाँ पे मेन हमारा हेड ऑफिस है. अभी हम कुछ दिन में मोंडा जो है अपना जूना बाज़ार जहाँ पे भरता, वहाँ पे हमारे 2 दिन पहले हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार इखारे साहब, हमारे नवनिर्वाचित महाराष्ट्र मराठवाडा प्रदेश अध्यक्ष रियाज भाई पटेल, हमारे बाजी महिला जिला अध्यक्ष शाइन पठान, इन्होंने हमने सब मिलकर एक चर्चा की कि भाई वो जो हमारा मुख्य कार्यालय बहुत दूर होता, कामगारों तक हम पहुंचते नहीं, अगर कामगार को आना है तो
तो उसको कम से कम वहाँ से 5-6 किलोमीटर जाना है था। हम मेन सिटी के अंदर हमारे अखिल महाराष्ट्र कामगार संगठन का संपर्क कार्यालय बनाने वाले हैं और वो माध्यम से हर कामगार तक हमारी संगठन पहुँचना और पहुँचने के हिसाब से हमारे जो संगठन कार्य करेंगे, जैसा कि बांधकाम मजदूर की नोनी है, माथाड़ी कामगार है, बहुत सारे माथाड़ी कामगार है हर गोदाम में, इसमें बड़े बड़े इसमें गोदामों में काम करती, लेकिन मालक उसको जो शासन नियम से जो उसको पेमेंट मिलना चाहिए तो मालक ऊपर उसको पैसे देता, 2-4 हमाल कामगार उनको 1000-1500 में गाड़ी खाली करने को ले लेते और गाड़ी खाली कर देते। लेकिन ये माथाड़ी कामगार ने एक इनका मंडल है माथाड़ी बोर्ड बोल के बाबा पेट्रोल पंप के ऊपर, इन्होंने अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करे या हमारे संगठन से भी संपर्क मिला इन्होंने तो हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो गोदाम के ऊपर वो जो काम करते वो मालक खुद वो मंडल में पैसा जमा करेगा और मंडल के माध्यम से ये माथाड़ी कामगारों के अकाउंट में पैसा जमा होगा, जो नियम से पैसा शासन नियम से पेमेंट मिलता है उनको तो वो मिलेगा, उनको लोन मिलेगा, उनको बोनस मिलेगा, उनका PF कटेगा, उनको इंश्योरेंस रहेगा। तो ये माथाड़ी कामगारों ने हमारे संगठन से संपर्क साधना, हम इनका हर गोदाम पे जाके कामगार ऑफिस के जो माथाड़ी बोर्ड के जो लोग हैं इनको जाके हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे और इन लोगों की नोन करेंगे। सर हम समाज में घूमते हैं, कई अब एक प्रश्न उठा रहा हूँ जो समाज में निकल के आ रहा है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि कमेटी वाले आते हैं, संगठना वाले आते हैं, अपना आईकार्ड बना के देते हैं। मेरा सीधा सवाल ये है, ये आपकी संगठना सरकारी है, सरकार से जुड़ी हुई है, जो आप आईकार्ड दे रहे हैं वो सरकारी है या आपका संगठना का है? देखिए हमारी जो संगठना है अपना जो कामगार उपायुक्त कार्यालय है, महाराष्ट्र शासन का कामगार उपायुक्त कार्यालय, वहाँ से हमारी संगठना रजिस्ट्रेशन है और हम लोग फिलहाल में हमने बहुत सारे सभासदों का फॉर्म भरे, लेकिन दूसरे संगठन भी फॉर्म भरते, सिर्फ फॉर्म भर के देते, उनकी संगठना कामगारों के लिए कोई काम नहीं करती। लेकिन हमारी संगठना सबसे पहले वो कामगार के जो योजना है, जो कामगार को मंडल से मिलने और जो स्कीम है वो स्कीम मिला के देते, उसके बाद में हम सभासद बनाते हमारे संगठन का और उसको कार्ड बना के देते। सर एक बहुत सीधा सवाल, क्योंकि आमतौर से जो लोग जुड़ते हैं ये कम पढ़े लिखे होते हैं, अब मैं सीधी भाषा में पूछ रहा हूँ, अगर एक मूल करने जो घर में साफ सफाई कामगार महिला काम करती है वो, और एक कामगार का बंदा जो मट्टी काम करता है जो भी हो, इन्होंने अगर आपका आपके मतलब सरकार से कार्ड बना लिया तो कार्ड बनाने के बाद उसके परिवार को फ़ायदा क्या क्या होता सरकार की ओर से? जैसा कि एकांधा बांधका मजदूर है, पहले बांधका मजदूर का बताता हूँ। अच्छा। उसने अगर अभी सब ऑनलाइन सिस्टम है, बांधका मजदूर को उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम है, जिस दिन भी वो कामगार की कामगार कार्यालय में नोंदनी हो गया और उसकी ऑनलाइन पावती निकल गई, जो 37 रुपये की पावती निकल गई, उसी दिन से 1 साल तक वो कामगार को 5 या 2 लाख का इंश्योरेंस सीमा है। खुदा ना खास्ता कोई कामगार तीसरे चौथे माले पे काम करते समय ऊपर से गिर गया, कोई छोटे से गरीब ठेकेदार के पास में काम करता, ठेकेदार उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार रुपये उसको मदद करता, लेकिन यही कामगार ने महाराष्ट्र इमारत कल्याणकारी मंडल में अगर इसकी नोंदनी किया और खुदा ना खास्ता उस कामगार का अगर जान चली गई तो 5 लाख का इंश्योरेंस सीमा मिलता, प्लस में उसके पत्नी को उसका जो भी वारदार रहेगा उसको 5 साल तक 24-24 हज़ार रुपये और अंतविधि के लिए 10 हज़ार रुपये का निधि मिलता मंडल की तरफ से, इसके लिए शासन इसको मदद करता। और मूल करने सर? मोल करने के लिए भी इंश्योरेंस है, इसी तरह का फायदे है उसके अंदर, लेकिन जितना बांधकाम मजदूर को फायदा है उतना मोलकरण को कम है। तो हमारी कोशिश जारी है कि हम जो मोलकरण का मंडल है वहाँ पे एक निवेदन देके ये मोलकरण को ज़्यादा ज़्यादा फायदा मिलना, अभी फिलहाल में उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा मिलता, कुछ बहुत सारे स्कीमें मिलते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं मिलता, जो नहीं मिलता हम वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। सुभेदारी विश्रामगृह ह्या ठिकाणी बैठक आयोजित करण्यात आलेली, बैठकीच्या ह्या ठिकाणी नवनिर्वाचित मराठवाडा प्रदेश अध्यक्षपद रियाज पटेल यांची ह्या ठिकाणी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे आणि मराठवाडा औरंगाबाद शहर ग्रामीण आणि तालुक्याची आढावा बैठक ह्या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली होती। आज नवीन पदयुक्त यांना पद देऊन आज हा कार्यक्रम ह्या ठिकाणी संपन्न होत आहे। माझं नाव संजय कुमार इखारे, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, जय। माझं नाव राजीबाई वाडेकर, शहर जिल्हा अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र कामगार संघटनेचे। आजचा उपदेश असा आहे की जे आपण कामगार नोंदणी करतो
त्या कामगार नोंदणीचे सर्व फायदे ह्या आपल्या कामगारांपर्यंत पोहोचण्याचं काम आम्ही करत आहोत आणि इथून पुढे करत राहू. जे बी काय योजना आहे तेही आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचू. मेरा आज ही अखिल महाराष्ट्र कामगार संघटना में प्रवेश हुआ और मेरा ये संगठना में आने का खास करके वजह ही है कि जो कामगार है असंगठित कामगार इनके लिए कुछ काम करने का इच्छा है. इस वजह से मैं इस अखिल महाराष्ट्र कामगार संघटना में जुड़ा हूँ. जय हिंद जय महाराष्ट्र. तत्पुते मराठा उपाध्यक्ष है. अखिल महाराष्ट्र कामगार संघटने के माध्यम कामगार हितासाठी न्यायासाठी हक्कासाठी त्यांची प्रगती त्यांची उन्नती त्यांच्या आरोग्यासाठी याची आढावा मीटिंग आम्ही आयोजित केली होती. भरपूर कामगार आले तर मार्गदर्शन चालू आहे आणि मार्गदर्शन करत राहू. पुढे आमचा कार्यक्रम असंच राहील. धन्यवाद. ए बी मी शेख अलीम अखिल महाराष्ट्र कामगार संघटना में मराठवाड़ा सहसचिव पद पे कार्यरत हूँ और हम जो भी कामगारों के हिस्से जो भी काम कामगारों के लिए काम होता वो काम हम कामगारों के लिए करते. इस तरह से आपने देखा कामगार के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों की आपको बात को सुना. और हम जनता से और खासकर वो जनता से जो गरीब है हाथ मजदूर है मट्टी काम करते हैं केले गाड़ी लगाते हैं मिस्त्री काम करते हैं लेबर काम करते हैं बहुत कई अनेक प्रकार के काम करते हैं तो उनके माइंड में दिमाग में एक बात होती है कि हमारा कौन है. हम ज़मीन पर हैं ऊपर अल्लाह है भगवान है ऐसी बातें मन में आती रहती दिमाग में आती रहती. हम उनसे कहना चाहते हैं कि देखिए महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार ने कई योजना लाई हैं. अब आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं आपको बता नहीं पाता ये भी कड़वा सच है क्योंकि गरीब पे कोई होता नहीं ये भी एक कड़वा सच है. तो ऐसे लोग आपकी सेवा में बैठे हैं आप इनसे संपर्क कीजिए और एक बार ध्यान कीजिए जो मट्टी काम करने वाले होटल में काम कर जो भी मजदूरी में काम करते हैं आपके फायदे के लिए सरकारी कार्ड बना के दिया जाता है. आपके घर में डिलीवरी होती है आपके बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं बेटी की शादी होती है आपको पैसा मिलता है. आपके दिमाग में चलता है कि सरकारी कर्मचारी कितना अच्छा होता है एक साइन मारो पैसा आ जाता है आपके दिमाग में चलता है. तो सरकार ने आपका भी बहुत ख्याल रखा है लेकिन थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है थोड़ी कष्ट की ज़रूरत है आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा इससे मिलना पड़ेगा समझना पड़ेगा पर ये पूरा योजना क्या है किस प्रकार से है आपको जुड़ना पड़ेगा. तो उम्मीद करते हैं जो भी सरकारी फायदे जो आप चाहते हैं आपका खुद का घर हो आपके बच्चे पढ़े लिखे अच्छा उनका मुस्तकबिल बने उनका भविष्य बने तो उम्मीद करते हैं आपको जुड़ना पड़ेगा आपको जागना पड़ेगा. तो उम्मीद करते हैं ये जब ये वीडियो वायरल हो रहा होगा तो आप देखेंगे और तमाम पार्टी के लोग मैं एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ उनके भी पदाधिकारियों का नेताओं का काम है. अगर आपके पास समय नहीं है तो ये लोग बैठे हुए इनसे सेवा ले सकते हैं. आपके जो गरीब के जो वार्ड में जनता है उनको आपके पास भेजिए ताकि कम से कम इनका गरीब का कल्याण हो. तो उम्मीद करते हैं कि आप भी एक नेक नियति से अच्छा सेवा समझ के काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे.